वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और हमें आपकी सेहत का हमेशा से बहुत ख्याल होता है, इसीलिए हम वक्तन फवक्तन आपको गाइडेंस देते रहते हैं आपकी सेहत से रिलेटेड इश्यूज को। और आज भी हम बात करने वाले हैं अमराज़े कल्ब के हवाले से, यानी हार्ट अटैक या इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं हार्ट से रिलेटेड, वो हम तमाम चीज़ें डिस्कशन करेंगे उस पर। और हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हारून रसूल, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो, कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम हार्ट रिलेटेड इशूज को एड्रेस करें, तो क्या क्या इशूज हैं जो आजकल तेजी के साथ बढ़ रहे हैं? आजकल जैसा दौर है जिसमें हमारी अपनी भी बद एहतियाती बहुत शामिल है, खाना पीना, सिगरेट, ज़ीरो एक्सरसाइज, टॉलरेंस हमारी, गुस्सा आना, उसमें हार्ट डिजीज भी बढ़ रही हैं। कुछ तो हमारी अपनी नाअहली है कि हम वक़्त पे डायग्नोज नहीं करते, और कुछ छोटे मोटे इश्यूज हो जाएं तो उसको हम अपनी दीगर मसरूफियात की वजह से या कुछ अपनी ज़हनी सुस्ती की वजह से डिले करते जाते हैं। और कुछ ऐसी हैं कि हमारे जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिलके, जिसके साथ सडन हार्ट अटैक का होना ये अब ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हम हार्ट अटैक की भी बात करें तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं हार्ट रिलेटेड। आपने जैसे पहले कहा कि हम लोग खुद से डायग्नोज नहीं कर पाते या बद एहतियाती करते हैं या उस पर तवज्जो नहीं देते, तो क्या क्या सिम्टम्स हैं जो जाहिर होना शुरू हों तो हमें इसको सीरियसली देखना चाहिए कि ये हार्ट रिलेटेड इशू हो सकता है? सिम्टम दो तरह के हैं, एक तो है अचानक हो गया, और अचानक सिम्टम में लेट्स से आपके यहाँ सीने में दर्द या बाजुओं में या जबड़े में अचानक हुई, आप किसी भी एज के हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, और अचानक आपको बैठे बैठे शदीद किस्म की दर्द जहाँ शुरू होती है, जो कि अंदर ही अंदर होती है, सुपरफिशियल बाहर नहीं होती, और वो आप 1 मिनट 2 मिनट तो लेते हैं उसको यकीन करने में कि ये मुझे ही हो रही है, ये कोई दर्द ही है, ये कोई बीमारी की अलामत है, तो 1-2 मिनट में आपको एहसास हो जाता है कि दर्द की शिद्दत बढ़ रही है और दर्द बहुत शदीद है, और उसके साथ मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत है। और अगर तो वो दर्द 5 से 10 मिनट मतवातर रहती है और बड़ी शदीद होती है, तो ये टिपिकल अलामत है हार्ट अटैक की। अगर कोई ऐसी सुपरफिशियल हल्की सी पिन्स एंड नीडल्स या कुछ एटिपिकल, इसको हम सिम्टम्स कहते हैं, अगर वो ऐसे हो रहे हैं और वो हल्के फुल्के हैं, उसको आप किसी हद तक इग्नोर कर सकते हैं। मास वाइज जो जिनको शुगर हो, शुगर के मरीज़ों में कई दफ़ा अलामात हल्की भी होती हैं और वो दिल की ही होती हैं, तो अगर तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपको सडन सवियर चेस्ट पेन या सांस का उखड़ना हो जाए, तो फिर तो आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा, आपको हस्पताल की तरफ रुजू करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हार्ट पे ब्लड प्रेशर है और जो डायबिटीज़ है, इनके पेशेंट जो है वो ज़्यादा प्रोन होते हैं हार्ट डिजीज़ के, तो क्या रीज़न है इसकी कि ये ज़्यादा प्रोन होते हैं? और स्पेशली जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, उनको भी देखने में नॉर्मली आता है कि हार्ट के इशू या हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जी, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें सबसे ऊपर तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर ही है, और उसके बाद जैसे बाकी रिस्क फैक्टर्स में डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रोल है, स्मोकिंग है, ये तो है हमारे रिस्क फैक्टर्स। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स यूजुअली हम अगर तो एक किसी को ब्लड प्रेशर है और वो दवाई खा रहा है और उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, फिर उसमें हार्ट अटैक का चांस कम है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हमने चेक भी नहीं करवाया, हमने कभी एक दवाई शुरू की थी और वो दवाई हम ले रहे हैं, खाए जा रहे हैं, दोबारा चेक भी नहीं कराया, और चेक कराते हुए हम थोड़े से सुस्ती कर ली या हम हिचकिचाहट है, या आपको पता है डॉक्टर फ्रेंडली एटीट्यूड भी नहीं ना होता कि नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस जाना है, तो यहाँ कई दफ़ा इतने लोग मसरूफ होते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक एक दो दो जॉब्स कर रहे होते हैं, वो वैसे भी नहीं जा सकते। लेकिन ये रिस्क फैक्टर्स अगर अनकंट्रोल्ड हों या प्रॉपरली कंट्रोल ना हो, तो फिर ये हार्ट अटैक का सबब बन जाता है। ठीक है। अच्छा, वही बात डायबिटीज़ की भी, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, और समटाइम्स स्टमक में पेन या इस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं और हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं,
और उसको सीरियसली नहीं लेते, या डॉक्टर से वही बात कि डॉक्टर फ्रेंडली एटीट्यूड हमारा बिल्कुल नहीं होता, उस हवाले से भी बताएं। डायबिटीज़ तो मैं कहूँगा बीमारियों की माँ है। डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहेगी तो हमारे सर, आँखों, शरियानों, दिल, गुर्दे, जिस्म, हर चीज़ को इफ़ेक्ट करेगी ना। और वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ फिर जब इफ़ेक्ट करती है फिर रिवर्स आना मुश्किल है, वापसी नहीं होती। और तब तक इतना हम लेट हो चुके होते हैं, फिर हम किसी ना किसी चीज़ को ब्लेम करते हैं कि नहीं मेरी स्ट्रेस था, मेरे घर के हालात नहीं ठीक थे, मैं किसी ने मुझे कहा इंसुलिन लो, किसी ने कहा गोली लो, ये भी फिर हम उसके ऊपर भी बड़ी हिचकिचाहट में रहते हैं कि कौन सी दवाई बेहतर है, कौन सी नहीं बेहतर। तो फिर हम किसी ना किसी को ब्लेम कर रहे होते हैं, हालांकि इसमें ज़्यादा कसूर मरीज़ का अपना होता है। वक़्त पे दवाई नहीं ली, वक़्त पे प्रॉपर अपनी ट्रीटमेंट नहीं की, फिर जब कम्प्लिकेशन हो गई फिर रोकना बड़ा मुश्किल है, फिर एक के बाद दूसरी कम्प्लिकेशन होनी है। ठीक हो गया। हमारे साथ कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे जी? मुझे क्वेश्चन पूछना था ये डॉक्टर से जी, कि मेरी वाइफ है, उनकी हार्ट बीट कभी कभी 90 या कभी कभी 95 होती है, और वो ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन वो ले रही है डायवॉन। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे एक चीज ये पूछनी थी कि मैं भी डायवॉन लेता हूँ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेरा ब्लड प्रेशर शाम के टाइम लगता है कि जैसे लो हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अख्तर तबसम का, बहुत शुक्रिया। आपकी वाइफ को भी ब्लड प्रेशर और आपको भी है, पहले मैं आपसे आता हूँ, आप अपनी डायवॉन की अगर डोज कम कर दें तो हो सकता है आपका शाम का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। दवाई तो ये अच्छी है, लेकिन हो सकता है आप मिकदार ज़्यादा ले रहे हैं। और याद रखें कि ब्लड प्रेशर को कम करने का आपकी जितनी डोज ले रहे हैं, अगर आप खुराक से नमक कम कर दें, आप रेड मीट कम कर दें, आप एक्सरसाइज कर लें, तो हो सकता है ये आपकी दवाई ख़त्म ही हो जाए और आपका ब्लड प्रेशर बगैर दवाई के भी कंट्रोल हो सकता है। ठीक हो गया। आपकी वाइफ, आपने बताया कि उनको हार्ट बीट थोड़ी तेज़ रह रही है, अगर उनको कोई थायराइड का मसला नहीं है, उनकी हीमोग्लोबिन मुनासिब है, अनीमिया नहीं है, तो डायवॉन को बदल के ऐसी दवाई की जा सकती है, और अगर उनको अस्थमा भी नहीं है तो ऐसी दवाई की जा सकती है जिससे उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा और हार्ट रेट भी ठीक रहेगी। तो वो जिन डॉक्टर साहब को दिखा रही हैं उनसे मशवरा कर लें, लेकिन पहले अपना एक ब्लड में CBC करा लें, एक थायराइड फंक्शंस करवा लें, ये दोनों चीज़ें करवा के अगर ठीक है तो आपकी वाइफ की दवाई बदली जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे डाइट की, अभी आपने कहा कॉलर को भी कि डाइट हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उसी में बदपरहेजी करते हैं और हम बाद में दवाई खा लेते हैं, हम कहते हैं ये दवाई असर कर देगी, ये प्रैक्टिस कितनी गलत है? ये देखें, ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट तीन चीज़ों में है। पहली तो है डाइट, जिसमें नमक थोड़ा लेना। नमक देखें ऐसा है कि जैसे नमक कोई भी लेता है जो हेल्दी भी है, जिसका ब्लड प्रेशर नहीं है, तो नमक आपके जिस्म के अंदर जाके फ्लूड को रिटेन करता है और आपकी ब्लड वेसल जो है वो उससे नैरो या कंस्ट्रिक्ट या तंग होती हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का आज नहीं तो कल है चांस है। तो ब्लड नमक हमें वैसे ही आदतन थोड़ा कम ही लेना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग हर चीज़ खाना आएगा सैलड के ऊपर भी वो स्प्रिंकल कर रहे होंगे नमक, आदत ही उनकी बन जाती है। हांडी के अंदर डाला हो, बाद में डाला होगा तो फिर भी अपनी प्लेट में उन्होंने थोड़ा सा डालना है, तो आदत ही बन जाती है कि नमक इतने ले आओ जी ले आओ, उतने पाओ, पहले ही नमक बहुत ज़्यादा है तो आप फिर और डाल रहे। तो नमक है, रेड मीट है, और जो फुल क्रीम मिल्क है, दूध बहुत अच्छा है, कैल्शियम हमारे लिए बहुत अच्छी है, कैल्शियम भी हमारे ब्लड वेसल को डायलेट करती है और ब्लड प्रेशर लोअर करने में मदद देती है। कैल्शियम इज़ वेरी गुड। अब तो पता नहीं दूध भी असली मिलता है कि नहीं मिलता, तो जो भी मिलता है कोशिश करें कि लो फैट। ठीक है। मोहम्मद अमीन है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी क्या कहना चाहेंगे? जी ऐसे है कि मेरे हर 3-4 महीने बाद जो है ना हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, वो इतनी ज्यादा हो जाती है तकरीबन 130-140 पे, और जो है ना ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल जो है ना, फिर हॉस्पिटल में जाता हूँ कुछ 2-3 घंटे बाद जो है ना वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक हो गया। तो आपको ब्लड प्रेशर या कोई और इशू तो नहीं है? ब्लड प्रेशर नहीं है,
उस वक्त जिस वक्त ये हार्ट बीट तेज होती है उस वक्त ब्लड प्रेशर 100 से क्रॉस कर रहा होता है, 120-130 ऐसे होता है। ठीक हो गया अमीन साहब, ऐसे है कि आप ने अगर तो नहीं किसी डॉक्टर साहब को दिखाया तो एक दफ़ा दिखा के दो चीज़ें करवा लें, एक आपके अपने दिल की एकोकार्डियोग्राफी करवा लें और एक 24 घंटे की दिल की मॉनिटरिंग जिसको होल्टर मॉनिटरिंग कहते हैं वो करवा लें। ये दो चीज़ें कुछ थोड़े से ब्लड टेस्ट करवा लें, तो ये दोनों चीज़ें करके आपकी कोई दवाई तजवीज़ कर दी जाएगी जिससे आपकी दिल की रफ्तार ठीक रहे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, कोई मैसेज जो देना चाहें हमारे आज के शो के? आज के लिए मैं फिर डाइट पे स्ट्रेस करूँगा कि हमें हेल्दी डाइट, स्मोकिंग से दूर और एक रेगुलर एक्सरसाइज, ये हम कर लें, हम हेल्दी लाइफ से दूर होते जा रहे हैं। जब फिर आपने आना है डॉक्टर के पास अस्पताल में और फिर आपने ब्लेम करना है इस अस्पताल ने मुझे अच्छा नहीं किया, इस डॉक्टर ने अच्छा नहीं किया, पहले ही हम ठीक हो जाए, पहले ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने प्रॉपरली गाइड कर दिया। जनाब मैसेज यही था कि दिल के जो अमराज हैं उनका ख्याल आपने खुद रखना है, और अगर आपको कोई ऐसे खुदा ना खासा सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे मजीद मेहमानों से, भी मिलवाएंगे और बातें भी करेंगे, आप देखते रहें।